Hi everyone, welcome back to my channel. Today's video is about this easy cut crease eye makeup. So agar aap interested ho on knowing how I created this look, then please keep on watching. यहाँ पे आई शेडो पैलेट के लिए मैंने यूज़ किया है यू कैन बी स्पॉटलाइट 40 कलर आई शेडो पैलेट। एंड सबसे पहले मैं ये जो लेवेंडर शेड है उसको अपने क्रीज पे अप्लाई करूँगी। ये शेड को हमें क्रीज पे अच्छे से ब्लेंड करना है, ये हमारा ट्रांजिशन शेड होगा। एंड उसको अप्लाई करने के लिए मैंने एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ किया है। तो बैक एंड फोर्थ एंड सर्कुलर मोशन में ब्लेंडिंग कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लिया है एंड इससे जो ये डार्क पर्पल शेड है उसको पिक करूँगी एंड इस शेड को भी अपने क्रीज पे अप्लाई करूँगी। डार्क पर्पल शेड को प्रीवियस शेड से थोड़ा नीचे ही ब्लेंड करना है। डार्क शेड्स क्रीज पे यूज़ करने से कट क्रीज जो हमें आगे करनी है वो काफ़ी क्रिस्प और शार्प दिखेगी। सेम डार्क पर्पल शेड को मैं अपने आउटर कॉर्नर पे भी अप्लाई करूँगी, इससे जो आउटर पार्ट है आईज़ का उसमें भी डेप्थ क्रिएट होगी। नेक्स्ट अगेन फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश को लेके दोनों शेड्स को अच्छे से डिफ्यूज़ करूँगी सो कोई हार्श लाइंस विजिबल ना हो। नेक्स्ट यहाँ पे हम करेंगे कट क्रीज एंड मैंने स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर यूज़ किया है। ब्रश के लिए यूज़ किया है एक नेल आर्ट का ब्रश एंड इसकी हेल्प से मैं क्रीज को कट करूँगी एंड देन कंसीलर से क्रीज के नीचे भी क्लीन कर लूँगी। नेक्स्ट फ्लैट ब्रश से जो ये शिमर पर्पल आई शेडो है वो अपने सेंटर ऑफ द आईलिड्स पे अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैंने लैवेंडर शिमर शेड भी यूज़ किया है एंड इसे मैं अपने आईलिड के इनर थर्ड पे अप्लाई करूँगी। तो दोनों शेड्स को अप्लाई करने के लिए मैंने एक फ्लैट ब्रश यूज़ किया है। नेक्स्ट शिमर शेड एंड आउटर कॉर्नर की एजेस को डिफ्यूज़ करूँगी यूजिंग अ डार्क पर्पल आई शेडो। हाईलाइटर के लिए यूज़ करूँगी के ब्यूटी हाईलाइटर इन द शेड सनलिट गोल्ड एंड इसे अपने ब्राउ बोन एंड इनर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट आईलाइनर के लिए यूज़ करूँगी मेबलिन कलोसल बोल्ड लिक्विड आईलाइनर एंड इसकी हेल्प से एक बेसिक विंग्ड लाइनर क्रिएट करूँगी। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है बेला वॉस्टे का वेलवेट ब्लैक काजल एंड इसे अपने वाटर लाइन पे अप्लाई करूँगी। लोअर लैश लाइन पे पेंसिल ब्रश की हेल्प से ब्लैक आई शेडो को अप्लाई करूँगी स्मोकी इफेक्ट देने के लिए। देन थोड़ा सा लवेंडर आई शेडो लेके ब्लैक आई शेडो के नीचे स्मज करूँगी। नेक्स्ट अपने लैशेस को कर्ल करूँगी एंड मस्कारा के लिए यूज़ करूँगी लॉरियल लैश पैराडाइज मस्कारा एंड इसे मैं अपने अपर एंड लोअर लैशेस पे अप्लाई करूँगी। लुक को कंप्लीट करने के लिए यूज़ करूँगी फॉल्स आई लैशेस, ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज किए हैं। And this is the completed look, guys. I hope you like today's video. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। I will see you guys in my next video. Till then, bye and take care.